होली आई कैमरा बता दो कैमरा को होली आ रही है आज आर्यवीर क्या बना रहा है दाल बना रहा है आर्यवीर आज आर्यवीर दाल के बारे में सीखेगा रुको 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 हाय गाइस अब हम बना रहे हैं लंच और लंच में आर्यवीर आज हेल्प कर रहे हैं एंड आर्यवीर क्या सीख रहा है आज दाल बनाना सीखते हो धीरे 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 इकट्ठे करो इस तरह ये तीनों दाल कौन से कलर की है रवि ये कौन सी है कौन से कलर की है बेटो येलो इनमें से आपको मूंग की दाल पता है कौन सी है ये वाली करेक्ट अरहर की कौन सी है ये नहीं ये चने की है ये वाली ये अरहर की है ये किसकी है चने की दाल कैसे डिफरेंट है टच करके देखो थोड़ी बड़ी है थोड़ी ज्यादा टच करने में रफ है अब अरहर की छुओ मीडियम साइज थोड़ी सी सॉफ्टर है छूने में यस चने की दाल से सॉफ्टर है ना छूने में और ये देखो यस ये दोनों और ये कौन सी है मूंग की दाल ये सबसे छोटी है साइज में राइट सो आपको तीनों दाल में डिफरेंस पता है सबसे बड़ी दाल को क्या कौन सी बोलते हैं सबसे बड़ी येलो दाल चने की दाल मीडियम येलो की दाल अरहर की दाल एंड सबसे छोटी येलो दाल मूंग की दाल और आज हम क्या बनाएंगे मूंग की दाल मूंग की दाल बट मूंग की दाल मूंग आप खोल दो और मैं डालूंगा किस में डालना है इसमें डाल इसमें निकालना है ठीक है ठीक है ठीक है मैं समझ गई और उसमें डालना है ओनली वन कटोरी ठीक है रोको 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 नहीं अपने आप नहीं पर रोको ये पोर्शन पे आप टच नहीं करेंगे ठीक है बट से ये वाले कट करें ठीक है बाकी मम्मा को दे देंगे नहीं मैं वो वाला भी करूंगा बेटा मम्मा को ओके अरवी खाना बनाना सीख रहा अरवी सारे बॉयज को खाना बनाना सीखना चाहिए ना बोल दो सारे बॉयज को खाना बनाना आना चाहिए सारे बॉयज को खाना बनाना आना चाहिए चक्कू काटने के लिए स्पेशली बस चलो अनियन मामा को करने दो क्योंकि अनियन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कैसे कंदा सी यू कैन सी इट यू कैन लर्न हाउ आई डू इट पहले उसका टॉप कांटा होता है हाँ। फिर उसकी टेल काटनी होती है ठीक है अरे भी पता है आपको पहले बॉयज को खाना बनाना अलाउड नहीं था क्यों गलत बात है ना होना चाहिए जो बॉयज करते हैं वो गर्ल्स नहीं कर सकते जो गर्ल्स करते हैं वो बॉयज नहीं कर सकते अब तो ऐसा नहीं है अब हम लोग अरे भी हम फेमिनिज्म के लिए लड़ते हैं फेमिनिज्म इज कि बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल होते हैं दैट्स ट्रू राइट बट व्हाट इज इक्वल मीन इक्वल मीन जो आप कर सकते हो ईशान भी कर सकते हो जो ईशान भी कर सकते हो वो आप कर सकते हो दैट्स करेक्ट राइट अब आगे का मैं करूं आगे का आप करो मैं दाल ज्यादा भीगी नहीं है बस हो जाएगी आज भी अभी कोई बना देते चलो
सीधा बनगी दाल। अब याद रखोगे कि दो सीटी पे बनते हैं ना। अरे भी को गैस बंद करना अलाउड है, चलाना अलाउड है। आप ध्यान रखना दो सीटी पे। ये हम इसका अरे भी चॉक बनाएंगे, ठीक है? चॉक में गैस भी काम होता है, तो मम्मा कर सकती है। हाय गाइस, अब दो सीटी पे बंद हो जाएगी। अब हो गया मेरा, अब मम्मा का होगा। दो सीटी पे बंद हो गई। अब हम बना रहे हैं चॉक। चॉक पे हम थोड़ा सा तेल लेंगे अभी। कुकर में सीटी क्यों आती है? क्यों? आप बताओ, आपको आइडिया है? Because of carbon dioxide. Not because of carbon dioxide. Because हमने पानी डाला था दाल में। जब वो पानी गैस बन जाएगा तो वो अंदर प्रेशर डालेगा, हमने कुकर बंद कर दिया है ना, वो गैस बोलेगी मुझे बाहर भागना है। तो कैसे भागेगी? क्यों भागेगी? क्यों भागेगी? गैस को बाहर निकलना अच्छा लगता है उसको, अगर वो गर्म हो रही है, हॉट गैस जो होती है उसको इधर उधर भागना पसंद है। बट हमने एक जगह एक कंटेनर में बंद कर दिया ना उसको, तो फिर वो जहाँ से उसको जगह मिलेगी निकलने की वहां से निकलेगी। विसिल पे ही जगह है निकलने की, तो वो निकलेगी। सो हॉट गैस वॉन्ट्स टू एक्सपैंड, उसे भागना होता है, दूर दूर जाना होता है। क्यों? उसका वो नेचर है। ईशान भी उठ गई थी, वो बेसिकली नैप ले रही थी जब हम लोग ये सब कर रहे थे, एंड वो उठ गई थी तो मुझे बीच में जाना पड़ा। तो मम्मी जी के साथ आरिवी ने दाल बंद की थी, आज मैं उसको दाल बनाना सिखा रही हूँ। सी, ट्रू फेमिनिज्म जो होता है ना, दैट स्टार्ट्स एट होम। अगर आपको बच्चों को इक्वालिटी सिखानी है, अगर आपको बच्चों को सिखाना है कि बॉयज एंड गर्ल्स आर सेम, तो फिर आपको वही ट्रीटमेंट घर पे करनी पड़ेगी और ज़रूरी करनी पड़ेगी। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं कभी ऐसे आई डोंट शाय अवे फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग आर्यवीर टू गर्ली थिंग्स। ये बात अलग है कि ही इज़ अ वेरी बॉयश बॉय, एज इन कभी भी उसको सॉफ्ट टॉयज में बचपन में इंटरेस्ट नहीं रहा, उसके पास इतने सारे थे, कभी इंटरेस्ट नहीं रहा खेलने का। स्टार्टिंग में था व्हेन ही वाज लाइक अ टॉडलर, बट उसके बाद कभी भी नहीं। ईशान भी ऑल्दो उल्टा है, ईशान भी लव्स टू हग थिंग्स एंड वो सॉफ्ट टॉय से खेलती है, बातें भी करती है डॉल से अपनी। बट आर्यवीर वाज नेवर लाइक दैट। ही डिड लव हिज किचन सेट अ लॉट, उसके पास था किचन सेट काफ़ी सारा था। उल्टा ईशान भी किचन सेट से उतना इंटरेस्ट से नहीं खेलती जितना आर्यवीर खेलता था। सो आई लेट हिम टेक द लीड ऑफ हाउ वट ही लाइक्स टू डू। उसने कल मुझे कहा था कि मम्मा मुझे कुकिंग करनी है कल, तो आई वॉज लाइक ठीक है, फिर दाल बनाना सिखाती हूँ आपको। सो आई लेट द किड्स लीड मी टू वॉट दे वॉन्ट टू लर्न। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको ऊपर इन्फोर्स भी कर रही हूँ कि 5 साल से होकर बच्चे से मैं दाल बनवा रही हूँ, नहीं, उसने खुद बोला था। एंड दैट इज माई व्यू कि पेरेंटिंग शुड बी, बच्चे का जो इंटरेस्ट है आपको इनकरेज करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एक लड़कों वाली थिंग है या लड़की वाली थिंग है। सो हाँ, मैं ये कर रही हूँ। एंड या चलो मैंगो ट्री की अपडेट देखें, आज मैंगो ट्री क्या कर रहा है हमारा। और कोई आए क्या? जो बूर थी मुझे लग रहा है एक दो जगह से और हटी है, लाइक जो फ्लावर फ्लोरल थिंग्स थी, या ये वाली ब्रांच मेरे हिसाब से नहीं थे इन पे मैंगोस। कल दिखाती हूँ, ये देखो जो टाइनी सा आया हुआ है, ये कल नहीं था। ये रात को ग्रो करते हैं क्या लग रहा है? रात को ग्रो करता है, सही है। बहुत सारे मैंगोज आने वाले इस साल भी, लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा आए थे। एंड दादी कहती हैं कि एक साल ज़्यादा आते हैं एक साल कम आते हैं, बट देखने में तो लग रहा है कि इस साल भी बहुत आ रहे हैं। ये देखना, ये सब भी लग रहा है कल नहीं थे। टाइनी सा बंच। पर प्रॉब्लम क्या आती है मैंगोस की, कि क्योंकि ये लाइक ऑब्वियसली रोड पे है, तो सड़क चलते लोग काफ़ी ज़्यादा मैंगोस तोड़ने लगते हैं, तो हमें कच्ची अम्बियाँ ही तोड़नी पड़ती हैं। एंड कभी भी ऐसा पक्का हुआ मैंगो हमने अपनी ट्री से तोड़ के नहीं खाया है, हमेशा अम्बियाँ लाइक तोड़ के उनको न्यूज़पेपर में रैप करके उन्हें पकाया है। और जब भी पकाते हैं ना बहुत स्वीट होते हैं, तो अगर पेड़ पे अच्छे से पके हुए मैंगोज अगर हम खा पाए तो बहुत डिलिशियस और बहुत यम्मी और बहुत स्वीट होंगे। बट हो नहीं पाता क्योंकि लाइक बहुत लोग तोड़ने लगते हैं, बचते ही नहीं है मैंगोस इस पर।
किसी से लाइक दादी ध्यान रखती है कि कोई तोड़े ना, एंड एटलीस्ट हमें जितने चाहिए वो तो हम निकाल लें। क्या बेटा इच्छा नो उठी गई थी, सोई नहीं आज, मुश्किल से आधा एक घंटा सोई है, आधा घंटा सोई है मुश्किल से। आजकल आरे वीर अपने आप ड्रेस होता है, और आजकल ये लाइक मोनोटोन्स पहन रहा है, कल फुल येलो पहना था उसने, आज फुल ब्लैक पहना है। आई वीर दिखाओ ना अपना, अपने आप ड्रेस होता है, आरे वीर नहाता भी अपने आप है, कपड़े भी अपने आप पहनता है, और चूज भी अपने आप करता है कि क्या पहनना है। खड़े होके दिखाओ, वेरी स्मार्ट आरे वीर। रेडी हो गई आर्यवीर की मूंग की दाल। ककड़ी का सीजन आ गया, सब सैलेड में ककड़ी खा रहे हैं। ककड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत ज़्यादा काला नमक में डिप करके खाने में क्या मज़ा आता है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपको भी ककड़ी पसंद है या नहीं। अभी ककड़ी काटती हूँ काला नमक लगा के, क्या स्वाद आता है। अगर आपने कभी नहीं खाई तो प्लीज़ डू ट्राई इट, आई एम श्योर सबने खाई होगी, बट जस्ट इन केस आपने कभी नहीं खाई तो ककड़ी लाना और काले नमक में डिप करके खाना, द बेस्ट सैलेड एवर। बहुत यम है, बहुत मीठी है। आपके साथ ऐसा हुआ है कि हमने ककड़ी उठाई है और बाइट किया, सोच के बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है, वो कड़वी वाली ककड़ी निकल आई है। मुझे तो बहुत डर लगता है कड़वी वाली ककड़ी से, ऐसा लगता है धोखा हो गया हो। बट जब ककड़ी मीठी निकलती है ना बहुत अच्छा लगता है। प्रो टिप, अगर आप काफ़ी सारी ककड़ियाँ मिक्स कर रहे हो सैलेड के लिए तो हर ककड़ी पे का थोड़ा थोड़ा पार्ट खा के देख लो, क्योंकि पता चले आपने बहुत सारी ककड़ियाँ काट दी और उनमें से एक एक कड़वी थी तो आपको लाइक सारी खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कौन सी वाली कड़वी थी और कौन सी वाली नॉर्मल थी। तो जब भी ककड़ी काटो जरा सा उसका टुकड़ा खा के एक बार टेस्ट कर लो उसको। चलो मेरी तो सारी की सारी मीठी निकल गई, वही बहुत रेयर होता है, जनरली हमेशा ऐसा होता है कि एक ना एक कड़वी निकलती है। ककड़ी पूरी की पूरी भी खा सकते हैं एंड्स काट के, और बहुत ही आम लगती है, आधा काट के भी खाते हैं, बट मैंने थोड़े से छोटे पीसेस कर लिए क्योंकि मैं चाहती हूँ बच्चे भी खाएं और बच्चे भी इंजॉय करें, तो ऐसे भी बड़ी आम लगती है। आप सिंपली डिप करके काला नमक में भी खा सकते हो, इसके ऊपर काला नमक स्प्रिंकल कर दो, नींबू स्प्रिंकल कर दो, वैसे भी खा सकते हो। बच्चों के लंच में है ककड़ी विथ लिटिल बिट ऑफ काला नमक, रोटी, दाल, ककड़ी दाल जो आरवी ने बनाई थी, एंड दही। ककड़ी खा लो। अब बहुत लोग पूछते मैंने बिब कहाँ से ली, ये मदर केयर से है पर ये एक्चुअली 4 साल पुरानी, क्योंकि ये ओरिजिनली आरवीर की थी, पर उसको पहनना कभी भी नहीं अच्छा लगता था, ईशान भी पहन लेती है, बट आई थिंक अभी भी अवेलेबल है। ओके, कल से ककड़ी खाएंगे। ये जो बिब है आई थिंक अभी भी डिफरेंट डिज़ाइन में अवेलेबल है, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड फाइंड इट एंड लिंक इट डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। खा लो, दाल में डिप करके खा लो। पानी है, मैं देती हूँ पानी आपको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको दोनों, अच्छा एक मिनट रुको। मैं लंच में खा रही हूँ मूंग की दाल जो आरवी ने बनाई थी, बैगन का भरता, दो ब्रांड रोटी एंड ककड़ी विद काला नमक।